शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई आज आप लोगों के माध्यम से तमाम राज्य सरकारों तक अपना एक मैसेज पहुंचाना चाहती है कि जल्द से जल्द जो वहां पर अन्य राज्यों के जो लोग फंसे हुए हैं उनको उनकी जल्द से जल्द घर वापसी करवाई जाए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं, हालांकि जमीनी तौर पर यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। तो हम तमाम सरकारों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण उनकी घर वापसी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जैसा महाराष्ट्र के अंदर हो चुका है, जैसा बंगाल में हुआ है, हाल ही के अंदर हमने देखा है पंजाब के अंदर हुआ है, गुजरात के सूरत के अंदर हुआ है, तो इन सबको संज्ञान लेते हुए इन तमाम लोगों की जल्द से जल्द घर वापसी के लिए कोई ना कोई रणनीति तैयार की जाए। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा जो लॉकडाउन 2 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर भी हमें काफी निराशा हुई है, क्योंकि ना तो प्रधानमंत्री जी अपनी स्पीच के अंदर इनके लिए कुछ कहा उन्होंने, और ना ही जो गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उनमें इनको कहीं राहत पहुंचाने के लिए किसी नीति को अमल के अंदर लाने के लिए किसी तरह की घोषणा की गई। इसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर अपने माननीय उपराज्यपाल जी से भी अपील करते हैं कि वह पहल करते हुए आगे आए और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहां कई छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं अन्य राज्यों के अंदर, कई हमारे पेशेंट हैं जो यहां से इलाज के लिए वहां गए हुए थे, कई रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए थे, तो हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई भी नकदी भी नहीं है, तो हम सरकार से अपील करते हैं कि उनकी घर वापसी को जल्द से जल्द सुनिश्चित करवाया जाए। आप राज्य सरकारें आगे कदम बढ़ाती हुई आपसी तालमेल कर इनको जो है अपने घर पहुंचाएं। इसके साथ ही हमारे प्रवेश द्वार लखनपुर के अंदर भी हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग वहां पर फंसे हुए हैं, हमारी राज्यपाल जी से अपील है कि जल्द से जल्द उन्हें उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए।